नमस्ते, लक्ष्मी होम रेसिपी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग साबूदाना का खीर बनाएंगे। ये काफ़ी जल्दी बनकर रेडी हो जाता है, काफ़ी अच्छा स्वीट से, काफ़ी हेल्दी है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट को घी में रोस्ट कर लिया है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने भिगोए हुए साबूदाना लिए हैं, 6 से 8 घंटा भिगो दिया है। इसके बाद इसकी खीर बनाएं, बहुत ही अच्छी बनती है। इसे हल्का सा मैंने घी में रोस्ट कर लिया है। उसके बाद इसमें हम मिल्क डाल देंगे। लगभग मैंने 1 कटोरी साबूदाना लिया, उस पर मैंने 3 कटोरी मिल्क यूज किया है। इसे बहुत ही अच्छी साबूदाना की खीर बनकर रेडी होती है। इसे कंटिन्यू हम कम से कम 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम में, और अच्छे से गाढ़ा होने देंगे। इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाएं, नहीं तो ये नीचे से सटेगा और इसके फ्लेवर बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। उसके बाद मैंने चीनी यूज किया है, कम से कम 3 चम्मच। आप अपने अकॉर्डिंग मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने ड्राई फ्रूट को रोस्ट करके रखा था वो मिक्स कर दिया है। इसे अब हम कंटिन्यू चलाएंगे और इसे अच्छा सा हमें गाढ़ा होने देंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हम इलायची यूज करेंगे। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाती है, काफ़ी अच्छी स्वीट रेसिपी है। जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे आप ये झटपट बनाकर खा सकते हैं। देखिए लगभग ये हो चुकी है, तो आपको जब भी कुछ मन करे मीठा खाने का तो बनाकर खाएं। हेल्दी है, देखिए कितनी अच्छी दिख रही है, उतनी अच्छी खाने भी है, तो ज़रूर ट्राई करें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।